किया जाए रोजगार का देना गौ हत्या छोटा मोटा बात नहीं है। बाबा आपसे क्या मांगे? अगर गौ हत्या हुआ है तो मुसलमानों का हटा देंगे। आज बात है मोदी जी गौ मांगे बाबा का किसको बुलाया जाए? हम लोग का मानिक नहीं है कि जो गौ हत्या बंद हो, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद हो। क्या हो रहा है? एसपी डीएसपी को बुलाया जाए। जी नमस्कार, हम राजा और आप लोग देख रहे बनी अपन चैनल झलको चंपारण। आज अपने के लेके आल बनी मोतिहारी जिला के मलाही थाना क्षेत्र में सोनवल चौक पर जौन की बा कल शाम के 4-5 बजे के टाइम में यहाँ पर 100 पॉकेट जी गाय के मांस के जौन की यहाँ न्यूज सामने आ रहा बा। अभी हम खड़ा बनी अपने के सोनवल चौक पर और मलाही थाना क्षेत्र के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के बात बा। एक बहुत शर्मिंदगी के जौन की न्यूज सामने आ रहा बा सोनवल जौन की गांव खातिर और सोनवल क्षेत्र खातिर की। कल शाम 5 बजे एक बाइक सवार जौन आदमी के पहचान भइल बा कि ना, उ तो जनता से बात हुई, लेकिन 100 पॉकेट जौन की गौ के मांस के लेकर के सोनवल चौक पर कुछ लोग जौन की पकड़ले बा। और यहाँ पर वो अपने पॉकेट जौन सामने देख रहा बानी, काला काला पॉकेट बा पोलिथीन में, उमे जौन की गौ के मांस बाटे। एक बात भैया सामने आ रहा बा कि जौन गौ माता 5 महीना के जब अगर कोनो बालक रहेला ना, वो बालक के और बुढ़ारी समय 100 वर्ष तक वही दूध से जौन की आदमी जी रहा बा, और कुत्ता के तरह वो मांस के नोच करके अपना जौन भी यहाँ के लोग बा खा रहा बा। वो आदमी के भी हिदायत दे दिया था कि जहाँ पर भी वो आदमी अगर छुपल हुई ना, ये बिहार के जो गंदगी के मने रास्ता पर ले जाए के काम कर रहा बा, ओकरा के जरूरी मलाही प्रशासन से अभी अरे राज मोतिहारी जिला के जौन भी प्रशासन पदाधिकारी लोग देख रहा बानी, वो आदमी के बिल से खोद के निकालने के काम है सामने आ रहा है गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से भैया। लेकिन पहले बात हुई कि जे भी लोग यहाँ देखले बा गौ सेवा से जुड़ल मनी यहाँ के बाबा, यहीं से बात हुई कि यहाँ का जौन गौ माता जी के ही मास्क लेकर के जौन आदमी जा रहा था गौ सेवा में यहाँ के जुड़ल बनते, यहाँ के का इस समय यहाँ के दिल में गुजर रहा बा गौ माता के लेकर के बतावल जाए बाबा। हमरा तो यह अच्छा लागत है कि जितना भी ये दुष्कर्म करे वाला लोग बा, ये लोग पकड़ के उचित दंड कर जाओ। आ माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री साहब से निवेदन बा कि आप एकरा पर कम से कम आ बेसी से बेसी कार्रवाई क के एकरा के सजा दिलावल जाओ। आ ना सजा दिया तो हमनी के जितना हिंदू समाज बानी सो एक अपना हाथ में न्यायिकता लेके आ एक संगे कूद पड़ल जाओ। जितना लोग बा सबका लोग से हमार विनती बा, प्रार्थना बा कि जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रहा बा जे भी देखता, अगर हिंदू समाज के हिंदू रक्षक बा तो ये गौ वध के रोके के जंग होके आ जैसे होके एकरा के रोकल जरूरी बा। आ ना रुकी तो हमनी अपन हाथ कंडा अपन आएब आ जरा जौन करे के होइसे हमारे संग करी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। का कहे के चाहता रहा गौ माता के जौन की देख रहा बड़ा सब जौन अपने बिहार में बहुत शर्मिंदगी के बात सामने आ रहा है। ये मुसलमान लोग के बहुत घटिया काम बा, एक हम लोग सफाई चाहत नहीं बस। मैंने कैसे तू कह कि मुसलमान लोग काम करते भाई देख ले बड़ा का? तो ये तो मुसलमान लोग के यहाँ तो बैकुरुआ के बात बात, ये तो मुसलमान बैकुरुआ में ठाठवा मुसलमान लोग के। अच्छा, जौन बाइक सवार जौन जे रहे वो जौन की ड्राइवर चलावत यहाँ पकड़ लेन कि भाग गए भाई? ये तो भाग गए शायद, भाग गए बड़े जी। बताया जाए भाई, हमने के बस ये कहे चाहते हैं जो हमने के इंसाफ चाहिए। हिंदू धर्म में गौ को हमारे माता घोषित किया गया है। जो बच्चा दूध के लिए गाय माता को दूध मतलब बचपन से लेके जवानी तक गाय का ही दूध पीता है। अगर हम लोग देखते हैं अगर कोई प्रशासन कार्रवाई करना है तो कीजिए, नहीं कुछ टाइम चाहिए, नहीं तो हम लोग खुद अपना कार्रवाई करना चालू कर देंगे। कल करीब 1 बजे का यह घटना है और हमारे मलाही के मुख्य मार्ग से आ रहे थे पांडे टोला के आदित्य नारायण पांडे जी जो डाक बाबू रह चुके हैं, उनके गाड़ी में 2 युवक जो गाय के मांस पीला बोरा में रखा गया था, गाय के मांस लेके वो तेज़ी से हड़बड़ाते हुए भाग रहे थे। भागते क्रम वो उनके गाड़ी में जो वैगनार कार था उनमें धक्का मार के और गिर पड़े। गिरने के बाद उस बोरे से ब्लड निकलने लगा तो यहाँ के जो स्थानीय जनता थी वो देखी। देखने के बाद आदमी की पहचान की गई, यहाँ के ग्रामीणों द्वारा आदमी की पहचान की गई। उसके बाद पता चला कि नहीं, ये मुस्लिम है और इनका कारोबार यही है, बहुत दिन से एक लुका छुपी का खेल ये लोग चला रहे हैं।
और यहाँ तो बड़े बड़े नेता हैं, वो सफाई देते हैं कि नहीं ऐसा यहाँ कोई बुचड़खाना नहीं है, ये सब कोई कारोबार यहाँ नहीं होता है। लेकिन कल प्रत्यक्ष रूप से सभी जनता के सामने ये चीज़ आया और बाबा जी एकदम सत्य बता रहे हैं, अगर कानूनी कार्रवाई इस पर ढंग से नहीं होगी तो हम लोग अपना फैसला जरूर लेंगे इस पर। एक बात, जौन आदमी की पहचान भैल बाटे वो आदमी के अपने के जानते नहीं। जी बिल्कुल, नाम सभी लोग पहचान कर रहा है, उसमें एक गेनी आलम है, गनी आलम, और एक भोला आलम है। कहाँ के रहे वाला? FIR में दोनों का नाम नामजद FIR हुआ है और उसमें दोनों का स्थानीय पता सब कुछ दिया गया है। अच्छा, FIR में जो उनके थाना की जी, 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 देहल बाटे जी, जी, जी भैया थाना के भी जो उनकी बात के देहल बाटे कि हाँ जे भी कार्य कर रहा बा शायद यही क्षेत्र के रहे वाला आदमी बा मुसलमान वर्ग से। और देखी भैया सौ इस अपने सामने वीडियो के देख रहा मानी जौन की आगजली पूरा युवा लोग के साथ एक साथ हो रहा बाटे और पूरा लोग एक ही नारा लगा रहा बा कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। और सारा लोग जौन की इस समय एकजुट होकर के सुनवल जौन की चौक पर एक अलग ही एबरा हिंदुत्व के जौन की नारा सामने आ रहा बा। और जे भी भैया लोग वीडियो के देख रहा मानी ज्यादा से ज्यादा शेयर करी ताकि और जे भी हिंदू भाई तक वीडियो पहुँच रहा बा ये इंडिया के हर एक हिंदू भाई से ये एक हम बता रहा हूँ बात के कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करी ओ पदाधिकारी तक पहुँचाई कि जहाँ ये सोनवल बाजार पर आ करती जे भी गौ माता के साथ में काम कर रहा बा वो आदमी के ऐसन सजा दिलाए कि फिर दोबारा केहू वो काम के कर ना सके। ये बस सोनवल से रिक्वेस्ट बा, तैसे ही हमारा चैनल के देखत रही। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।